सब्सक्राइब करें मिनट एकेडमी चैनल को, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आपका मंजीत एकेडमी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत यादव। फ्रेंड, इस वीडियो में हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती हुई थी 18/2018, उन कैंडिडेटों के लिए खुशखबरी लिख के आए हैं। तो फ्रेंड, हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी भर्ती वाले कैंडिडेटों को दिया है तोहफा। चलो हम आपको दिखाते हैं क्या घोषणा की है हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी भर्ती वाले कैंडिडेटों के लिए। तो फ्रेंड, यह खबर दैनिक भास्कर अखबार में आई है आज के में। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की नियमों में संशोधन की अधिसूचना। ग्रुप डी के कर्मचारियों को पद विभाग बदलने का मिलेगा मौका। तो फ्रेंड, ग्रुप डी के नियुक्ति कर्मचारियों को पद या विभाग बदलने का अवसर दिया गया है। इसके लिए 26 जून से HSC की वेबसाइट पर परफॉर्मा में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ है कि कर्मचारी को पिछला सेवा का लाभ नए पद या विभाग में वरिष्ठता के प्रति नहीं दिया जाएगा। चुने गए पद या विभाग में तभी नियुक्ति मिलेगी जब उस विभाग में पद खाली होगा। जनवरी में ग्रुप डी के 18,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की गई थी। तो फ्रेंड, ये देख लो, इसमें साफ कहा गया है कि 26 जून से HSC की वेबसाइट पर यह नोटिस आ जाएगा जिससे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, इसमें शर्त ये रखी गई है जो पिछली सेवा है उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आगे लाभ नहीं मिलेगा, और जो आप पद या विभाग चुनोगे आगे उस डिपार्टमेंट में खाली वैकेंसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड, यही खबर आप लोगों को बताना चाहते थे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।